अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट। बाइट इट के किचन में आज बन रहा है सबका पसंदीदा साग गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आज हम इसको बनाएंगे मटन में, आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलिए अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पतीली, उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को काट के डाल दिया था। हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे। मैंने एक कप के बराबर जो है वो घी लिया था। हमारी प्याज ब्राउन हो गई है तो फिर अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको भूनेंगे हल्का सा पानी डाल के, ताकि हम लहसुन जो है वो जले ना। अब हम इसमें डाल देंगे मटन, ये आधा किलो के करीब जो है मटन है। अच्छी तरह से हम इसको अदरक और लहसुन के साथ भूनेंगे और फिर उसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें शामिल है 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया और साबुत गर्म मसाले जिनमें लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी इलायची 1/8 शामिल है। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से गोश्त को मसालों के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो नीचे ना लगें। अब देखें गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से भून गया है और मसाले भी हमारे बिल्कुल सही हैं, लगे नहीं हैं। ये मैंने पालक की एक गट्ठी ली थी, ये 1 किलो के करीब जो है वो पालक थी, उसको मैंने पानी डाल के बॉयल कर लिया था, उसको मैं पीस लूँगी। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको काट के इसमें गोश्त में डाल दिया है। गोश्त को पकते हुए हमें 1/2 घंटा हो गया था। ये हमने पालक को पीस लिया है बहुत अच्छे तरीके से, गोश्त हमारा भुन गया था और आधे से ज़्यादा हम गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। तो फिर इसके अंदर हम अपनी पीसी हुई पालक को डाल देंगे। पालक उबलने के बाद जो है वो बहुत आसानी से यूं ही पिस जाती है, लेकिन अगर वो ना पिसे तो आप उसमें बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के उसको पीस सकते हैं। और देखें इसमें हमने डाल दिया है अब 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला और थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें काट के साबुत। उसके अलावा मैंने ली थी 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी, जिसको मैंने धो के इसके अंदर शामिल कर दिया है। मेथी को आपने एंड में ही शामिल करना है, तो इससे जो है वो पालक में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रख देना है उस वक्त तक, जब तक कि हमारी ये पालक खुश्क ना हो जाए। और देखें हमारी मज़ेदार सी पालक गोश्त जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें अपने घर में, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और बाइट इट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।